अगर आपका भी मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी में किसी प्रकार का डाउट है तो आप ये नंबर सेव कर सकते हैं 8400 400 400 और इस नंबर पर क्वेश्चन का फोटो क्रॉप करके सेंड करना है। तुरंत ही 10 सेकंड में आपको इसका आंसर वीडियो सॉल्यूशन के साथ मिल जाएगा और इस ऐप के माध्यम से भी आप घर बैठे तैयारी कर सकते हैं जेईई मेंस की और इस ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हेलो डियर फ्रेंड, वेलकम टू अवर चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं माध्यमिक परीक्षा विज्ञान का ये पेपर आपके, और इसमें से सारे क्वेश्चन आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। 2020 में काफ़ी सारे क्वेश्चन इस पेपर से आपके आ सकते हैं और आपको ये पेपर है पूरा अच्छे से तैयार करना है। एग्ज़ाम से पहले आपको अच्छे से पूरा पेपर तैयार करना है। तो आपके 4 पार्ट साइंस के पेपर में आते हैं। तो पहला पार्ट है आपके पार्ट ए यानी खंड ए। इसमें आपके टोटल 11 क्वेश्चन दे रखे हैं, एक एक नंबर के हैं, शॉर्ट क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है आपके, आपातकालीन हार्मोन यानी करो या मरो हार्मोन किसे कहते हैं, तो इसका आंसर सभी बच्चों को याद रखना है। और दूसरा है रक्त की पीएच का मान कितना होता है यानी जो रक्त की पीएच है वो कितनी होती है। और तीसरा इसमें साइक्लोहेक्सेन है उसका अणुसूत्र लिखना है। और क्वेश्चन नंबर 4 है इसमें एक सरल लोलक की कुल ऊर्जा दे रखी है 100 जूल, इसकी गतिज ऊर्जा का अधिकतम मान आपको ज्ञात करना है। और 5वां प्रश्न है इसमें भारत में प्रथम जैव मंडल नीचे कब कौन सा और कहाँ अस्तित्व में आया, ये आपको अच्छे से तैयार करना है। 6वां प्रश्न है इसमें एक ऐसे अनाज का नाम लिखो जो रबी की फसल के रूप में उगाया जाता है। और 7वां प्रश्न है इसमें डोडो क्या है। और 8वां है इसमें धमनी किसे कहते हैं। 9वां क्वेश्चन है इसमें माँ के दूध में कौन सा प्रतिरक्षी पाया जाता है। और 10वां प्रश्न है इसमें प्रतिरक्षी कितने प्रकार के होते हैं नाम लिखिए। और 11वां क्वेश्चन है विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्र क्या है और सामान्य बोलचाल में यह किस अन्य नाम से जाना जाता है। तो ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन थे। अब हम खंड ब का पहला क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 12, पृथ्वी की आंतरिक संरचना समझाइए और इसका नामांकित चित्र बनाइए, 3 नंबर का क्वेश्चन है। और 13वां क्वेश्चन है सृष्टि की उत्पत्ति की बिग बैग अवधारणा क्या है यानी जो बिग बैग थ्योरी है वो आपको लिखनी है। और भारतीय अवधारणा तथा इसमें प्रमुख अंतर क्या है ये आपको लिखना है, 3 नंबर का क्वेश्चन है। और 14वां क्वेश्चन में आपको 2 क्वेश्चन दिए गए हैं ए और ब, तो ए में क्या क्वेश्चन दिया गया है, पायोनियर 10 अंतरिक्ष यान किस मिशन पर और कब छोड़ा गया था। और ब वाला क्वेश्चन है पायोनियर 10 के छोड़े जाने के समय पृथ्वी के बाहर के जीवों के विषय में मानवीय सोच क्या थी और काल्पनिक मुसीबत से बचने के लिए क्या उपाय किए थे, तो ये आपको लिखना है। 15वां क्वेश्चन में भी 2 क्वेश्चन है, ए में दिया गया किसी वाहन की बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है। और ब वाले में है 10 वर्ष से कम आयु के बच्चों को वाहन में यात्रा के दौरान के लिए क्या शिक्षा दी जानी चाहिए, तो ये भी 3 नंबर का क्वेश्चन आपके। और 16वां वाले में आपको 3 क्वेश्चन दिए गए हैं ए ब और स, ए में दिया गया मदिरा में पाए जाने वाले नशीले पदार्थ का नाम लिखिए। और ब में दिया गया वसीय यकृत सेव का मुख्य कारण कौन सा नशीला पदार्थ है। और स में दिया गया एल्कोहल शराब सेवन के शरीर पर क्या दुष्प्रभाव पड़ता है वो आपको बताना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 17वां क्वेश्चन में दिया गया है आपको निम्न रासायनिक अभिक्रियाएं हैं उनके लिए समीकरण देना है। पहले में है जिंक धातु है उसके सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया, दूसरे में आयरन की भाप के साथ, और तीसरे में है लेड नाइट्रेट विलयन की पोटेशियम आयोडाइड विलयन के साथ, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और 18वां वाले में दिया गया नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधन क्या है, प्रत्येक के 2-2 एग्जाम्पल लिखने हैं। और 19वां क्वेश्चन में भी 2 क्वेश्चन है, ए में दिया गया ऐसा कौन सा भारतीय वैज्ञानिक हुआ जो महान चित्रकार भी था और जिसके चित्र आज भी ब्रिटिश आर्ट गैलरी में लगे हुए हैं। और ब में दिया गया है कॉस्मिक किरणें क्या हैं, किस वैज्ञानिक ने इसका अध्ययन किया था। और 20वां वाले में भी 2 क्वेश्चन है, ए में है प्लास्टिक किसे कहते हैं और ब में आपके निमन प्लास्टिक को बनाने की विधि और उपयोग लिखना है, पॉलीथीन और पॉलीस्टाइरिन, तो इसमें 2 दिए गए हैं आपको। और 21वां क्वेश्चन आपका, अपनी कॉलोनी या गाँव में आप अपशिष्ट प्रबंधन के लिए क्या क्या उपाय कर सकते हैं। और खंड स की हम बात करें तो 22वां क्वेश्चन है आपके, मूल से प्राप्त 2 औषधीय महत्व के पौधों के नाम और उनके वानस्पतिक नाम लिखने, 4 नंबर का क्वेश्चन है। और ब में है चाय और कॉफ़ी का वानस्पतिक नाम और उनसे उपस्थित एल्कलॉइड का नाम भी लिखना है, 4 नंबर का क्वेश्चन है भी। और 23 का है इसमें 2 क्वेश्चन दिए गए हैं, 3 क्वेश्चन है। पहले में है अनुवांशिकता के 3रे नियम का नाम लिखना है। और ब में दिया गया शुद्ध गुण वाले
पुष्प और लंबे पौधे का संकरण सफेद पुष्प और बौने पौधे पौधे से कराने पर प्राप्त एफ टू पी डी का लक्षण और लक्षण प्रारूप अनुपात लिखना है। और सह में दिया गया उपरोक्त प्रयोग में एफ टू पी डी का जीन प्रारूप अनुपात भी लिखिए। और 24 में दिया गया दो क्वेश्चन, ऐ में विरंजक चूर्ण कैसे बनाया जाता है, अभिक्रिया की समीकरण और उसके उपयोग लिखने हैं। और बै में बेकिंग सोडा कैसे बनाया जाता है, अभिक्रिया की समीकरण और इसके उपयोग लिखने, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और 25 वाले क्वेश्चन में भी आपको दो क्वेश्चन आंतरिक क्वेश्चन है। ए में दिया गया विद्युत धारा और विद्युत विभवांतर की परिभाषित कीजिए और इनका मात्रक लिखिए। और बै में एक विद्युत परिपथ में दो कुलाम आवेश 0.5 सेकंड में बहता है तो विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान ज्ञात करना है। 26 वाले में दिया गया है विद्युत द्वारा प्रवाहित प्रचालित नए विद्युत परिपथ उपकरणों को खरीदते समय मस्तिष्क में किन किन बातों को ध्यान रखना चाहिए। और बै में ऊर्जा क्षय को किस प्रकार कम कर सकते हैं। और 27 वाले में किसी क्षेत्र की जैव विविधता तप्त स्थल घोषित करने के लिए किन किन शर्तों की पालना जरूरी है तो वह शर्तें आपको लिखनी है। और बै में विश्व के चार जैव विविधता तप्त स्थलों के नाम लिखिए। अथवा में जो क्वेश्चन दिया गया काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उपयोग बताना है टेक्सक्स बकाटा वृक्ष की छाल और सर्प गंधा। और बै में है ऐसी चार ऐसी वनस्पतियों के नाम लिखिए जिनमें एड्स रोधी गुण पाए जाते हैं। खंड द्वय में आपके 5-5 नंबर का क्वेश्चन है जिसमें 28 का क्वेश्चन आपको दिया गया है वर्क की उत्सर्जन इकाई का नाम लिखिए। और बै में है वर्क की उत्सर्जन इकाई का नामांकित चित्र बनाइए। स में मानव में मूत्र निर्माण की क्रिया विधि बतानी। अथवा में कौन सा क्वेश्चन दिया गया है यौवनारंभ किसे कहते हैं। और बै में प्रजनन अवस्थाओं को समझाना है, युग्मक जनन निषेचन विदलन और भ्रूण का रोपण और गर्भावधि व प्रसव। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और 29 में दिया गया है इसमें भी दो क्वेश्चन आपके, पहला है 18वें वर्ग के तत्वों को किस नाम से जाना जाता है। और दूसरे में आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर निम्न गुणों में क्या परिवर्तन होता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। और इसमें ए में दिया गया प्रभावी नाभिक की आवेश और दूसरा है संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या। और उपरोक्त गुणों में वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर क्या परिवर्तन होगा ये भी आपको बताना है। अथवा में क्या क्वेश्चन दिया गया है, न्यूलैंड के अनुसार प्रकृति में कुल तत्वों की संख्या कितनी थी। और दूसरा है मेंडलिफ की आवर्त सारणी में कमियों को स्पष्ट कीजिए। तीसरा है किस तत्व की विद्युत ऋणता सबसे ज़्यादा और किस तत्व की कम होती है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। 30 में दिया गया है किस गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र उसके परावर्तक पृष्ठ के पीछे होता है। और दूसरे में है दो पतले लेंस जिनकी फोकस दूरियां 20 सेंटीमीटर 25 सेंटीमीटर है एक दूसरे के संपर्क में रखे जाते हैं उनके संयोजन से बने लेंस की शक्ति ज्ञात करने। और सह में है प्रिज्म से श्वेत प्रकाश के विक्षेपण में किस रंग का प्रकाश का जो अधिकतम विचलन देता है वो आपको लिखना है। दय में है आपके दूरदृष्टि दोष क्या है और इसका निदान कैसे किया जाता है। दोष के निदान के बाद के प्रतिबिंब निर्माण का आवश्यक किरण चित्र भी आपको बनाना है। अथवा में भी जो क्वेश्चन दिया गया काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ए में दिया गया नवीन क्रांतीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार कौन सा बिंदु दर्पण के लिए मूल बिंदु माना जाता है। और दूसरे में अर्घ रोपित दर्पण क्या है। और सह में एक व्यक्ति अपने चश्मे में +2 डायोप्टर लेंस का प्रयोग में लाता है वह व्यक्ति किस प्रकार के दृष्टि दोष से पीड़ित है। और उत्तल लेंस की फोकस दूरी व उसकी जो प्रकृति है वो क्या है। दय में एक उत्तल दर्पण के लिए बिंब के निम्न स्थितियों में प्रतिबिंब की स्थिति व प्रकृति के बारे में किरण चित्र बनाकर समझाना है। इसमें दो क्वेश्चन दिए गए हैं, पहला है जब बिंब अनंत पर हो, दूसरा जब बिंब किसी निश्चित दूरी पर हो। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।